कहाँ गए थे भैया? दूध लेने जा रहे थे। क्या नाम है आपका? प्रवीण नाम है। पूरा नाम? प्रवीण रोरैया। रोरैया। पिताजी का नाम? मुन्ना लाल रोरैया। उम्र कितनी आपकी? कहाँ रहते हो? पीछे अंदर कहाँ? मकान नंबर 57। मकान नंबर? ये देखिए, हमारे देश के नौजवान पढ़े लिखे दूध लेने, मियां बीबी बच्चे संग दूध लेने चले हम। ये दोनों बच्चों को लेके, अपनी वाइफ को लेके, चारों बिना मास्क के। कौन हो? बहन हो? चलो सॉरी, बहन को लेके चारों लोग बिना मास्क के गाड़ी उठा के दूध लेने जा रहे हैं, है ना? बहुत सही। हो गया क्या? हम तो क्या बता रहे हो आप? हो गया है? आपने बोल दिया, हम घर जा रहे हैं। गाड़ी गाड़ी नंबर कहाँ है? क्यों नहीं आया? निकल लीजिए, नाम पता बोल तो रहा हूँ, लिख लीजिए ना, नाम बता तो दिया। बना कर रहा हराम खोर। मतलब बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हम बच्चों को लेके दूध लेने जा रहे हैं बिना मास्क के? आपने बोला मैं घर जा रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ। आपने कोई गलती की, आपको एहसास है? हाँ एहसास है, इसलिए बोला। आपने, आपको मालूम है कि आपने कितनी बड़ी छोटे छोटे बच्चों को लेके आप जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे इतना कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, उसके बावजूद आप इतनी छोटी बच्चियों को लेकर कैसे जा रहे हैं? आप किस टाइप के इंसान है, थोड़ा हमको बताइए जरा। हैं? क्यों, क्या काम करते हो आप? हॉस्पिटल में। अरे बाप रे, किस हॉस्पिटल में? गजब हो गया, बहुत बढ़िया, गजब हो गया, गजब हो गया। आपकी कोई रिश्तेदारी है बीमारी से? मैडम बोल तो रहा हूँ, क्या मैं क्या नहीं, दूध वाला आप चारों को देख के ही दूध देता? चारों को देख के नहीं देता, मैंने आपको बोला सर, जो था मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने बोला मैं इसलिए आपकी मानसिकता दिख रही है कि आप कितने पढ़े लिखे गवार हैं, है ना? सॉरी सॉरी